हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाउडी मोदी नामक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी स्विट्जरलैंड, डी मलेशिया। और इसका सही उत्तर है ए अमेरिका। प्रश्न नंबर दो, भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिका के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए संगीता सिंह, बी कविता कुमारी, सी अंजना सिंह, डी अंजलि सिंह। और इसका सही उत्तर है डी अंजलि सिंह। प्रश्न नंबर तीन, यूनेस्को ने वर्ष 2019 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी नगर घोषित किया है? ऑप्शंस हैं ए शारजहां, बी कतर, सी मेलबर्न, डी मुंबई। और इसका सही उत्तर है ए शारजहां। प्रश्न नंबर चार, आईफा अवार्ड का आयोजन भारत के किस शहर में पहली बार होगा? ऑप्शंस हैं ए इंदौर, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी मुंबई। और इसका सही उत्तर है डी मुंबई। प्रश्न नंबर पांच, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी पुणे, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर छह, भारत का पहला राष्ट्रीय रोगानुरोधी प्रतिरोध हब कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी रांची, सी त्रिवेंद्रम, डी देहरादून। और इसका सही उत्तर है ए कोलकाता। प्रश्न नंबर सात, हाल ही में किसे बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं ए शबाना आजमी, बी नीना गुप्ता, सी सोनाक्षी सिन्हा, डी अनुक्षा शर्मा। और इसका सही उत्तर है बी नीना गुप्ता। प्रश्न नंबर आठ, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर सुर्खियों में रहा है, इसका कारक है? ए कवक, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु, डी विषाणु। और इसका सही उत्तर है डी विषाणु। प्रश्न नंबर नौ, सुर्खियों में रहे शब्द लीप और अर्पित का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? ए खेल, बी अध्यात्म, सी शिक्षा, डी अंतरिक्ष विज्ञान। और इसका सही उत्तर है सी शिक्षा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टील आयात निगरानी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शंस हैं ए कोयला मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न नंबर 11, डीआरडीओ द्वारा निर्मित रुस्तक 2 हाल ही में परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यह क्या है? ए मानव रहित ड्रोन, बी मिसाइल प्रणाली, सी रक्षा पनडुब्बी, डी रक्षा पोत। और इसका सही उत्तर है ए मानव रहित ड्रोन। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किसने आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस हैं ए विश्वभूषण हरिश्चंद्र, बी जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी, सी जगनमोहन रेड्डी, डी जस्टिस मदन मोहन सेठी। और इसका सही उत्तर है बी जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी। प्रश्न नंबर 13, किस भारतीय एथलीट ने दुनिया की सबसे कठिन रेस एंडू रोमन ट्रायथलोन को रिकॉर्ड समय में पूरा कर नया इतिहास रचा? ऑप्शन हैं ए लक्ष्य सेन, बी हरीश कुमार, सी मयंक वेद, डी आयुष्मान। और इसका सही उत्तर है सी मयंक वेद। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में किस पार्टी के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं? ऑप्शन हैं ए भाजपा, बी बसपा, सी आप, डी सपा। और इसका सही उत्तर है बी बसपा। प्रश्न नंबर 15,
हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला शाही ट्रेन डक्कन ओडिसी से जुड़ गया है? ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी कोटा, सी बीकानेर, डी झुंझुनू। और इसका सही उत्तर है ए जैसलमेर। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में राजस्थान के किस आरपीएस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए संजना बिश्नोई, बी कमल शिखावत, सी सुमन अरोड़ा, डी प्रिया शर्मा। और इसका सही उत्तर है बी कमल शिखावत। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले करंट अफेयर्स में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था जो था एशिया अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश बना है? और इसका सही उत्तर है ए भारत। आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही चर्चा में है सेंटर 2019 नामक युद्धाभ्यास का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी रूस। जल्दी कीजिए, सही आंसर दीजिए। इसी के साथ मैं सुरेंद्र सोनी, संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग सेंटर श्री गंगानगर तथा यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर के निदेशक श्री संजय चौधरी की तरफ से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपको दी गई करंट जीके में एक भी गलती न हो, लेकिन यदि किसी स्रोत या मानवीय भूल की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में उसे गलती सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। धन्यवाद।